तो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो. दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन द सीरीज ऑफ BARC. सो इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल लाइक अबाउट द BARC एग्जाम, हाउ इट इज, कैसे कैसे होता है, उसका डिटेल मैंने बताया हूँ. तो इस वीडियो में मैं मेनली तीन चीजों के पे बात करूंगा. तो इन दिस वीडियो मेनली आई विल टॉक ऑन थ्री इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. नंबर वन इज अबाउट DGFS, व्हाट इट इज. सो इन लास्ट वीडियोस कमेंट आई गॉट ए क्वेरी दैट टू डिस्क्राइब मोर अबाउट दिस DGFS. नेक्स्टली व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, एंड थर्ड इज अबाउट द रिटन टेस्ट ऑन दैट इज द ऑनलाइन एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग पॉइंट बाई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट DGFS. तो एज पर यू कैन सी इन द स्क्रीन, येस्टरडे आई हैव ऑल्सो टोल्ड देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्कीम्स. फर्स्ट वन इज OCES एंड सेकेंड वन इज DGFS, राइट. नाउ इन DGFS व्हाट हैपेंस कि क्लियरली इट इज रिटन, व्हाट आई एम टेलिंग और रेदर स्टेटिंग, मैं जो भी बता रहा हूँ वो अपने मनपसंद का बात नहीं है. इसीलिए मैं आपको BARC का वेबसाइट से डॉक्यूमेंट खोल के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो पॉइंट नंबर वन है कि डिस्कशन अबाउट DGFS. तो उसमें से सब पॉइंट ए है कि अंडर दिस स्कीम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सेल्ड इन द सिलेक्शन इंटरव्यूज फॉर द BARC ट्रेनिंग स्कूल्स प्रोग्राम एंड हु हैव इंडिपेंडेंटली सिक्योर एडमिशन फॉर एमटेक इन DGFS इंस्टीट्यूट्स एंड स्पेशलाइजेशंस लिस्टेड इन अ टेबल आर पेड स्टाइपेंड एंड ट्यूशन फी टू परस्यू एमटेक डिग्री व्हाइल रिटेनिंग देयर एम्प्लॉयमेंट इन DAE. ये तो यहाँ पे लिखा है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप क्या करते हो कि बीटेक करते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन. आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, मैंने जो बताया जो फर्स्ट वन है OCES, उसमें एलिजिबिलिटी है कि कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स है या डिसिप्लिन है उनमें अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये आपको आप एलिजिबल हो, ठीक है. तो आप इंटरव्यू के लिए, नॉट इंटरव्यू, आप एग्जाम के लिए अपियर किए. अब एग्जाम के लिए अपियर किए तो पहला स्टेप क्या था एग्जाम का? ऑनलाइन टेस्ट या तो गेट स्कोर, आइदर एनी ऑफ वन और बोथ. तो ये तीन ऑप्शन में किसी भी एक के थ्रू आपका इंटरव्यू राउंड तक सिलेक्शन हो गया. आई मीन फर्स्ट राउंड आप क्लियर कर लिए, सेकेंड राउंड है इंटरव्यू राउंड, वो भी आप सिलेक्ट क्लियर कर लिया. आई मीन जो OCES का दो राउंड है, एक रिटन टेस्ट आइदर गेट और उनमें से कोई एक का भी आपको जो मार्क्स है वो कट ऑफ के ऊपर जाना है, वो आप क्लियर कर दिया. प्रोसेस वन. प्रोसेस टू में है और स्टेज टू में आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो आप OCES कैंडिडेट है. नाउ एक तरफ आपका OCES का कैंडिडेट आप सिलेक्टेड हो गए. अब नाउ इंडिविजुअली सेपरेटली आप एक किसी IIT या किसी इंस्टीट्यूट, मैं IIT का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सम DGFS इंस्टीट्यूट्स, सो उनमें से कुछ IITs भी है, अदर इंस्टीट्यूशंस भी है. क्या क्या है वो हम सामने बात करेंगे, ठीक है. तो आप जैसे मान लीजिए DGFS के तरफ से या DGFS इंस्टीट्यूट के लिस्ट में 10 इंस्टीट्यूट्स है फॉर एन एग्जाम्पल, ओके. उन 10 इंस्टीट्यूट्स में नंबर वन टू नंबर 10 आप अगर सेपरेटली कोई एडमिशन एमटेक कोर्स में लिए है और ये भी टर्म्स कंडीशंस है एंड स्पेशलाइजेशन, ऐसा नहीं कि उन इंस्टीट्यूट्स में आप एमटेक किए और एमटेक कोर्स में अब अप्लाई करें और कोई सा भी आप डिसिप्लिन में अप्लाई कर दे, ये बात नहीं है.
कुछ स्पेशलाइजेशन है, तभी आपको ये डीजीएफएस मिल सकता है। अब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन या पॉइंट क्या कर आपको समझ ध्यान में रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। नंबर वन है कि आप ओसीईएस क्लियर करना होगा। आप ओसीईएस क्लियर करना होगा, इसके मतलब इसके अंडर पॉइंट क्या आता है, आप ओसीईएस के लिए एलिजिबल हो। फिर आप गेट के थ्रू और रिटेन के थ्रू फर्स्ट राउंड क्लियर किए, देन इंटरव्यू क्लियर किए, देन हो गए ये फुल फुल मिला के ओसीईएस, आप क्लियर कैंडिडेट हो, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट हो। नाउ अगर आप इसके साथ साथ ही सेपरेटली एक आईआईटी या नॉट आई विल से आईआईटी कुछ इंस्टीट्यूट है स्पेशली, ऑल आईआईटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन डीजीएफएस इंस्टीट्यूट्स, ओके, सो डोंट अंडरस्टैंड कि सभी आईआईटीज में ये फैसिलिटी है। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट है, उनमें से कुछ आईआईटीज भी है, तो रेदर द लिस्ट शैल बी नेम्ड एज डीजीएफएस इंस्टीट्यूट। फिर उन इंस्टीट्यूट में आप एमटेक का एक कोर्स लिए सेपरेटली, आप कोर्स में एडमिशन लिए, और नॉट ओनली एमटेक इन स्पेशलाइज्ड, क्या का स्पेशलाइज्ड वो यहाँ से सिलेक्ट यहाँ से बता दिया गया है, वो मैं आऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में आऊंगा। तो तब आपका क्या होगा, तब आप जाके ये डीजीएफएस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब डीजीएफएस के लिए एलिजिबल कैसे होना है, ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब अगर आप डीजीएफएस में क्वालिफाई कर लेते हो तो क्या होगा, आपका 1 साल का कोर्स वर्क चलेगा। सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कोर्स वर्क एट द डीजीएफएस इंस्टीट्यूट, फेलोज अंडरटेक प्रोजेक्ट वर्क विच असाइन बाई डीएई। तो कैसे डीजीएफएस आप आ सकते हो वो क्लियर है, पॉइंट नंबर वन क्लियर है। फिर उसके बाद वाला पॉइंट आता है कि आप डीजीएफएस क्लियर करने के बाद आपका जो एमटेक का कोर्स है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा। आपका जो एमटेक का कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड होगा डीएई, जो बीआरसी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उनके तरीके से स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा, पहला पॉइंट है कि अगर आप डीजीएफएस में जा रहे हो तो इसका मतलब आप ध्यान रखना, आप एमटेक कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर एक दैट इज कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर आप एक एम्प्लॉय भी हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय भी हो और एमटेक भी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, 1 साल का आपका कोर्स वर्क रहेगा उस इंस्टीट्यूशन में। जो कि कंट्रोल कहाँ से होगा, मतलब ये कोर्स वर्क कौन डिसाइड करेगा, डीएई और बीआरसी, ठीक है, तो वहां पे आपका कोर्स वर्क सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपका कोर्स वर्क तो वहां पे सिलेक्ट हो गया, ये 1 साल का है। फिर 1 साल अगर आप एमटेक में एडमिशन नहीं भी लेते तब भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, ओसीएस के लिए भी 1 साल का ट्रेनिंग होता है, डीजीएफएस के लिए भी 1 साल का ट्रेनिंग होता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ फिर से कि डीजीएफएस ओसीएस से अलग नहीं है, ओसीएस का एक्सटेंशन है डीजीएफएस, कि ओसीएस आप क्लियर कर लिए फिर आप एमटेक के लिए सेपरेटली एक इंस्टीट्यूशन में, कौन से इंस्टीट्यूशन, वो डीएई का लिस्टेड होना चाहिए डीजीएफएस इंस्टीट्यूशन, उसमें अगर आप नाम दे रहे हो तभी आपका उनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन में, अगर आप एमटेक का और उनमें से भी उस इंस्टीट्यूशन का उस स्पेशलाइज्ड कोर्स में अगर आप एमटेक ले रहे हो तभी आप डीजीएफएस का फायदा उठा सकते हो। अब फायदा क्या है इसका, नुकसान क्या है इसका, देखो इसका मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये एमटेक नॉर्मली आप लोग जानते हो 2 साल का होता है, 2 साल में पहला ईयर फर्स्ट ईयर होगा आपका कोर्स वर्क, सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर होगा यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट वर्क विच इज असाइंड बाई डीएई एंड सुपरवाइज जॉइंटली बाई डीएई गाइड एंड इंस्टीट्यूट गाइड। आप जब एमटेक कर रहे होते हो तो आपका एक इंस्टीट्यूट गाइड होता है और आपका डीएई गाइड भी होता है, ठीक है, नॉर्मली एमटेक अगर कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट गाइड होता है। फिर अगर आप ये डीजीएफएस वाला चूज करते हो तो इसमें आप
एक इंस्टीट्यूट गाइड तो रहेगा ही, नेक्स्ट रहेगा आपका बीए गाइड। तो वो दोनों आपस में डिस्कस करके सिलेक्ट डिसीजन लेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, उसके ऊपर आप सेकेंड ईयर में काम करोगे। ठीक है, जब भी आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, नाउ कम टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस डीजीएफएस। जब भी आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा एमटेक का, प्रोज ये है कि आपको जॉब ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप 2 साल पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, आप 1 साल का कोर्स वर्क किए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट किए, सो नाउ यू विल बी डायरेक्टली अंडर डायरेक्टली टेकन एज अ, मतलब डायरेक्टली आपको जॉब में भेजा जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जैसे लिखा है, फर्स्ट अंडरटेक अ 4 मंथ ओरिएंटेशन कोर्स। ठीक है, तो कोई भी आप जॉब में जा रहे हो, तो जॉब और लाइक जॉब और मीन्स आई से कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन में ये स्विचिंग में एक, मतलब डायरेक्टली स्विचिंग जो स्टूडेंट्स आता है इंस्टीट्यूट से पढ़ के डायरेक्टली जॉब, उतना मतलब उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, ये सब सीखना, कोई भी नए जगह आप जा रहे हो तो ये सेपरेटली अलग सा ट्रेनिंग होना चाहिए। तो वैसे ही एक कोर्स टाइप का होता है, उनमें आपका होगा डीजीएफएस के लिए। ये सिर्फ 4 मंथ का जो कोर्स है, ये आपका एमटेक कंप्लीट करने के बाद आप जॉब में ज्वाइन करोगे, तब आपका पहला 4 महीना कुछ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग टाइप का होगा। ठीक है, ट्रेनिंग टाइप का, ट्रेनिंग मैं नहीं बताऊंगा, ओरिएंटेशन टाइप का होगा, जिनमें आपको बताया जाएगा ये होता है, क्योंकि आप एमटेक किए हो उनमें, एमटेक किए हो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट, और दैट इज अंडर डीए। आप अंडर डीए एमटेक किए हो और उस इंस्टीट्यूशन से किए हो, लेकिन आप तो जॉब स्टार्ट नहीं किए ना, एज आप जॉब स्टार्ट नहीं किए, इसलिए आपको पहले जॉब स्टार्ट करने के पहले ये 4 मंथ का ओरिएंटेशन कोर्स दिया जाएगा। सवाल आता है कि इस 4 महीने में क्या हमको तनख्वाह मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो भी इंक्लूडेड इन जॉब, दैट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ ये जो 4 मंथ का ओरिएंटेशन कोर्स होता है, ये कहाँ पे होगा सर? पार्क ट्रेनिंग स्कूल मुंबई। नेक्स्ट आता है आपका जॉब लोकेशन कहाँ होगा? अब जॉब लोकेशन बीआरसी में हो सकता है, आईजीसीएआर, ये सब में होता है। ठीक है, नाउ ये पता कैसे चलेगा? हाउ आई विल नो कि वेयर इज माई जॉब लोकेशन? दिस विल बी एलोकेशन ऑफ ए डीजीएफएस फेलो टू डीए यूनिट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ एमटेक प्रोग्राम। जब भी आप एमटेक स्टार्ट कर रहे हो, वहीं पे आपको समझ मतलब इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरत जरूरी नहीं है कि आपको मुंबई में ही आएगा, देयर आर डिफरेंट लोकेशंस, वो मैं लास्ट वीडियो में मैं बताया, जैसे मुंबई, कलपक्कम, एनएफसी हैदराबाद। ठीक है, ये सब है, लेकिन पॉइंट ये है कि कहाँ एग्जैक्टली आएगा, उसके लिए कैसे वो डिसाइड होता है, मैं बस ये बता देता हूँ कि वो जैसे फॉर्म भरना पड़ता है ना, वैसे फॉर्म भरना पड़ता, मतलब प्रेफरेंसेस चॉइस देना पड़ता है। तो हम जब इंटरव्यू में गए थे, व्हेन वी वेंट टू इंटरव्यू, वी हैड टू गिव अ चॉइस। सो वो 3 ऑप्शन रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बेस्ड अपॉन योर इंटरव्यू सिलेक्शन और योर स्कोर एट इंटरव्यू, उसमें आपको चॉइस मिलते जाएगा। सिमिलरली आप जैसे काउंसलिंग होता है ना जेई का, उस प्रोसेस है, तो जिसका डिमांड, जिस प्लेस का डिमांड ज्यादा है, वो हायर रैंक वालों को या हायर स्कोर वालों को मिलेगा। बस या आप ब्रांच चेंज जानते हो जिस प्रोसेस में होता है कॉलेजेस में, सिमिलरली पहले देखेगा कि एप्लीकेशन कहाँ पे आया है, वहाँ पे कितना पहला पॉइंट है वैकेंसी कितना है। फिर जैसे मान लो मेरा एक इंस्टीट्यूशन में 10 वैकेंसी है या एक डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी है, आप 10 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 14 पीपल। अब 14 पीपल में पहला चॉइस डाला 12 पीपल, ओके, पहला चॉइस डाला 12 पीपल, सो दोस 12 विल बी टेकन। फिर लेकिन सीट से हमारा 10, तो 12 में से 10 का सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट 10, फिर 2 का
उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी जो दो बच गया, 12 12 में से 10 का तो उस इंस्टीट्यूशन में हो गया जहां में 10 वैकेंसी था, तो जो दो बच गया उनका रैंक या स्कोर थोड़ा नीचे था, उनको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन में फिर दिखा जाएगा, नहीं तो थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे करके मोस्टली फेल हो जाते हैं, तो यही प्रोसेस है। तो DGFS के बारे में ये बात तो मैंने बता दिया, अब और क्या बताना है जी, और भी बताना है। एडमिशन टू DGFS, ठीक है, ये भी BRC का वेबसाइट से ही है, क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइंग डिग्री इन दीज डिसिप्लिन्स एंड हु मीट द करस्पॉन्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई फॉर DGFS प्रोवाइडेड दे आर सिलेक्टेड फॉर OCS। मैं ये बात पहले ही कह चुका हूँ कि DGFS इज अ एक्सटेंशन ऑफ OCS एंड एडिशनली सिक्योर एडमिशन, मतलब ये सेपरेटली आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब डिफरेंट, जैसे इस साल के लिए 23 24, नेक्स्ट ईयर के लिए 24 25 हो जाएगा, स्पेशल वन ऑफ द सिलेक्टेड DGFS इंस्टीट्यूट्स एंड इन स्पेशलाइज्ड लिस्ट, ठीक है। अब ये लिस्ट में आऊंगा, उसके पहले और भी दो पॉइंट बताना है। क्या 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 पॉइंट? कंफर्मेशन ऑफ एमटेक एडमिशन शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 14 जुलाई। इस साल 14 जुलाई है, नेक्स्ट साल शायद 15 जुलाई होगा, 16 जुलाई होगा, 10 जुलाई होगा, लेकिन एक बात समझ लो कि जुलाई के आसपास में आपको जो आपका जो एमटेक का कंफर्मेशन है, आप जहां भी एमटेक करना चाहते हो ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट से आपको कंफर्मेशन मिल जाता है और हो ही जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जुलाई एंड या जुलाई मिडिल अगस्त फर्स्ट में से आपका एमटेक का कोर्स भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एमटेक का कोर्स स्टार्ट हो जाता है तो एक महीने लगभग पहले तो आपका कंफर्मेशन आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका कंफर्मेशन आ गया तो कंफर्मेशन इन लोगों को भेजना है। अब ये मत सोचना कि इनमें से क्या विच विल बी द करेक्ट वर्ड, सिंक्रोनाइज नहीं है कि इनका डेट चला गया फिर 14 जुलाई चला गया फिर मेरे को इनका जो इंस्टीट्यूट का लिस्ट है वहां से आ रहा है कंफर्मेशन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे चीजों ना मैं बताऊंगा कि लिंक्ड है, तो एक में अगर इफेक्ट पड़ेगा ना चेन वाइज पूरे चेन में इफेक्ट आ जाएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बाद में वो लिस्ट में जाऊंगा, सिक्योरिंग एडमिशन इन वन ऑफ द वैलिड एमटेक स्पेशलाइजेशन एट वन ऑफ द सिलेक्टेड DGFS इंस्टीट्यूट्स अलोंग विद सिलेक्शन ऑफ OCS। सो क्या क्या है, आप एमटेक में एडमिशन ले लिया उस इंस्टीट्यूशन में, फिर उस ब्रांच और डिसिप्लिन में भी आप एडमिशन ले लिया जो कि DGFS या उस DGFS या BRC से गाइडलाइन या वहाँ का मतलब वहाँ का जो लिस्ट है उस लिस्ट से आप उस इंस्टीट्यूट और उस कोर्स में भी कर लिया, और आप OCS भी आप क्लियर कर चुके हो कि डजंट गारंटी द अवार्ड ऑफ DGS फेलोशिप। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये इसलिए दिया है कि DGFS फेलोशिप डजंट गारंटी, क्योंकि DGFS इज ऑफर्ड एज पर द नीड ऑफ DAs प्रोग्राम्स एंड ओनली टू द मोस्ट मेटेरियस कैंडिडेट्स। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल DGFS को चाहिए, DGFS के लिए 20 सीट्स है, राइट, फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्टेड, जैसे जनरल का लिए या कुछ पर्टिकुलर में, लेट्स से 20 इज द नंबर, ओके, एनी रैंडम नंबर 20 सीट है। अब दिखा जा रहा है कि 25 लोग OCES से DGFS में आना चाह रहे हैं और 25 ही एडमिशन सब कर लिए थे, लेकिन उस 25 में कितने को सिलेक्ट होगा, 20 को सिलेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि वैकेंसी 20 है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE सिलेक्ट किया, कितना जितना वो नंबर आएगा उतना ही, क्योंकि अगर एक भी आदमी ज्यादा लेगा तो उसके पीछे स्टाइफेन, उसके पीछे ये सब खर्चा, वो सब कैलकुलेट होके ये नंबर आया है, राइट, दैट्स व्हाई द 20 नंबर आया है। अब ये एक रैंडम नंबर बोला, ये 20 नंबर कैन बी 25, ये 20 नंबर को आप एक से रिप्लेस करो, ठीक है। सो ये बस मैं एग्जाम्पल दिया, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, आई रिपीट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, मैं एक एग्जाम्पल दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये 20 नंबर को रिप्लेस बाई एक्स, ओके।
चलो फिर जाते हैं हम टेबल 3 में। हाँ भाई आ जाओ टेबल 3। टेबल थ्री में, टेबल थ्री आ गया। क्या क्या लिखा है साहब यहाँ पे? हाँ यस देखो कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम बोला था मैंने और स्पेशलिस्ट कोच बोला था, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और सेंटर एट द डीजीएफ इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो पहला कॉलम है ये सीरियल नंबर का है, ये नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। सेकंड कॉलम है कि डिपार्टमेंट और सेंटर, मतलब वो डीजीएफएस इंस्टीट्यूट का जो लिस्ट है उनमें कोई सब इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट का नाम एकदम लास्ट कॉलम में, आईआईटी बॉम्बे। तो फर्स्ट रो को पढ़ के मैं समझा देता हूँ कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और सेंटर एट द डीजीएफएस इंस्टीट्यूट, रेलिवेंट एमटेक प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन, एडमिसेबल गेट सब्जेक्ट्स एंड गेट सब्जेक्ट कोड, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। मैं बस पहला या दूसरा रो पढ़ के समझा देता हूँ, बाकी सब आप खुद ही समझ लोगे। इट मीन्स पहला रो, इसका मतलब ये है कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का अंडर थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड एमटेक लिए है और आपका गेट जो दिए थे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में दिए है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट मीन्स द सब्जेक्ट कोड इज एमई, एंड आप जो बीटेक या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग, नॉट ओनली बीटेक, आई रिपीट, बीई बीटेक, बीई और बीटेक और बीएससी इन इंजीनियरिंग, वो अगर मैकेनिकल में है तो ही आप डीजीएफएस के लिए एलिजिबल हो। तो डीजीएफएस के लिए पहला क्या कंडीशन है, आपको ओसीईएस क्लियर करना पड़ेगा। अब ओसीएस क्लियर करने में ही लंबी प्रोसेस है, ठीक है? तो ओसीएस क्लियर करने के बाद आप इसको इस तरीके से समझो कि मैंने एक काम किया, ठीक है? जैसे मैंने 10 रुपए का एक सर्फ खरीदा, ठीक है, सर्फ एक्सेल आता है, सर्फ खरीदा, फिर मैं सेपरेटली 10 रुपए का एक शैम्पू पाउच खरीदा, ठीक है? अब शैम्पू पाउच में लिखा है कि अगर आप, उसके पीछे लिखा है पाउच के पीछे, अगर आप 10 रुपए का ये सर्फ खरीदते हो तो आपको ये वाला कूपन कोड है जो कि नेक्स्ट टाइम आप रिडीम कर सकते हो। इट्स नियरली लाइक दैट कि आप एक ओसीएस, आप अब ये मत सोचना कि ओसीएस का वैल्यू को मैं 10 रुपए में कन्वर्ट कर लिया, इट्स टू मच वैल्यूएबल देन 10 रुपीज, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, ओके? सो ये जो ओसीएस है ये एक सेपरेट है और आपका एमटेक में एडमिशन ये एक सेपरेट है, लेकिन ये लिंक है किससे, डीजीएफएस से। अगर आप एमटेक भी करना चाहते हो, ये किस लिए दिया है, आप एमटेक भी करना चाहते हो और इनमें जॉब भी करना चाहते हो तो ये है। तो आप पहला चीज आप ओसीएस क्लियर कर लिया, दूसरा चीज आप आईआईटी बॉम्बे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का थर्मल एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड में एमटेक लिया और आपका गेट सब्जेक्ट, आप गेट दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपका ग्रेजुएशन भी हुआ, ग्रेजुएशन का डिग्री स्पेशलाइज्ड है, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग, इन तीनों डिग्री चलेगा और कोई डिग्री नहीं चलेगा, ठीक है? अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तभी आपको एज ए डीजीएफएस कैंडिडेट सिलेक्ट किया नहीं जाएगा, आप एलिजिबल हो एज ए डीजीएफएस कैंडिडेट, ओके? सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, आप फाइनली सिलेक्टेड हो कि नहीं वो मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? तो आप डीजीएफएस के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, पहला पार्ट है उसका ओसीएस क्लियर करना, दूसरा पार्ट इन इंस्टीट्यूट का, इन डिसिप्लिन का, इन एमटेक
प्रोग्राम स्पेशलाइज का आप कोर्स लो और आपका बीटेक या ग्रेजुएशन भी बीई बीटेक और बीएससी भी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब आप बताओगे कि जैसे ना एग्जाम्पल ये वाला, अच्छा आईआईटी बॉम्बे ही था ना पहला वाला, तो छोड़ो किसी और इंस्टीट्यूट देखते हैं, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लिए और आपका गेट है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ईसी और आईएन में आपका गेट है और उसके साथ टर्म्स कंडीशन आपका ये सब में आप इंजीनियरिंग किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब ब्रांच में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए ठीक है, तभी जाके आप टीजीएफएस के लिए एलिजिबल हो। ओके तो ये डीजीएफएस वाला पॉइंट यहाँ पे होता है खत्म। ओके आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं सिलेबस में, वो भी इसी फाइल में है। देखो द सिलेबस फॉर द ऑनलाइन एग्जाम इज स्पेसिफाइड टू द साइंस और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डिसिप्लिन व्हिच आवर कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किए तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस है। नाउ स्पेशल सिलेबस क्या है, द क्वेश्चन आर इंटेंडेड, क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू असेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन द एरिया ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग एग्जाम डिसिप्लिन सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब आप साइंस में जैसे फिजिक्स ये सब देख रहे थे हम, रेडियो न्यूक्लियर ये सब, तो जो भी सब्जेक्ट से आप पास किए हो या पास कर रहे हो आपका ग्रेजुएशन है वहां से आपका मतलब बेसिकली पूरा सिलेबस क्वेश्चन है ठीक है। एम्फेसिस वुड बी ऑन द नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रेदर देन ऑन मेमोरी ऑफ द कैंडिडेट। जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड आर नॉट एक्सेस असेस्ड। सो सिलेबस का पॉइंट बहुत ही छोटा है, मैं ओवरऑल समझा देता हूँ कि सिलेबस का मतलब ये है कि इसका जो सिलेबस है ये स्पेसिफिक टू जिस डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर रहे हो उस डिसिप्लिन का ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उस सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन आए। और क्या पॉइंट है कि आपका जो जनरल उस सब्जेक्ट का नॉलेज है ठीक है, जैसे आपको उस सब्जेक्ट का बहुत हाई लेवल में पता है लेकिन जनरल बेसिक्स पता नहीं है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो जनरल बेसिक नॉलेज और एंड नॉट और जनरल बेसिक नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ये दो चाहिए आपको एग्जाम में पास करने के लिए। तो नॉर्मली ये जो इंग्लिश नॉलेज एप्टीट्यूड ये सब नॉट असिस्ट। तो लास्ट वीडियो में मैं एक इंग्लिश को लेके बात कहा था कि कुछ लोग बहुत इंग्लिश इंग्लिश करते हैं कि वी आर इंग्लिश टॉकिंग इंग्लिश ओके, लेकिन लैंग्वेज इज जस्ट अ लैंग्वेज मैन, जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। हाँ आप कहीं पे कुछ स्पेशल डील के लिए जा रहे हो, जैसे कुछ एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ डील के लिए जा रहे हो, कुछ स्पेशल मीटिंग के लिए जा रहे हो, देयर द लैंग्वेज मैटर्स। क्यों, क्योंकि उस डील ये सब में आपको उनका भाषा समझना है, समझ के आपको एक डील साइन करना है, लेकिन पूरे जिंदगी भर आप थोड़ी डील साइन करते रहोगे, एक स्पेशल डील शायद महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, सालों में एक बार, ऐसे करके आता है। तो उसके लिए बिल जरूरत है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका इंग्लिश जरूरत नहीं है, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका जनरल नॉलेज जरूरत नहीं है, ये नहीं बता रहा हूँ आपका एप्टीट्यूड जरूरत नहीं है, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट चीजें है, बस इंग्लिश 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 करके उसके पीछे मत पड़े रहो ठीक है, कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े रहो। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट इतना है कि वो बता नहीं पाते लेकिन चीजों को देख के समझ जाता है कि इसमें फॉल्ट क्या है ठीक है,
उस लेवल का एक्सपर्ट बनो। 0.2 सिलेबस हो गया, वो 0.1 DGFS हो गया, 0.2 सिलेबस हो गया, 0.3 रिटन टेस्ट, 0.2 और 0.3 बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है। रिटन टेस्ट का सिलेबस ये है, ठीक है मैं बता दिया। अब रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा मैं यही बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिटन टेस्ट होता कैसे है। देखो, जो लोग गेट एग्जामिनेशन दे चुके हो या गेट एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस है, नॉर्मली जिस साल आप गेट एग्जामिनेशन देते हो उसी साल ये OCES का, ठीक है, या और DGFS का एग्जामिनेशन भी आता है। तो गेट एग्जामिनेशन आप जिस साल दे रहे हो ना, उसमें पहला गेट एग्जामिनेशन होता है, मतलब गेट एग्जामिनेशन पहले होता है मंथ ऑफ फेब्रुवरी में, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के अंदर हो जाता है। इसका जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन एग्जाम, ये होता है अप्रैल के आसपास। तो पहले होता है गेट एग्जामिनेशन, फिर ये। तो गेट एग्जामिनेशन अगर पहले होता है तो उनका एक्सपीरियंस है आपके पास, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सेंटर थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले मैं सेंटर पे आता हूँ, ठीक है, बट सेंटर मतलब एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था पूरा मेन सिटी में, गेट एग्जामिनेशन सेंटर, वहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ये सब अवेलेबल था। फिर इनका एग्जाम का जो सेंटर था वो कहाँ पे पड़ा था, बहुत दूर पड़ा था, इतना दूर कि कुछ लोग देख के ही नहीं गया। दूर मतलब इन द सेंस कि आप कोई सिटी में रह रहे हो ना, प्रॉपर सिटी में नहीं, सिटी का थोड़ा साइड में, वो कुछ IT टाइप का होता है वहां पे, मतलब उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उतना अच्छा ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, थोड़ा सिटी के आउटसाइड में मेरा सेंटर पड़ा था। आई डोंट नो कि सभी का ऐसा ही पड़ता है कि नहीं, मेरा ऐसा हुआ था। तो कैसे गया था मैं बता देता हूँ, मैं गया था, बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था। मैं जिस दिन एग्जाम था ये इसका, तो मैं बस ये बता देता हूँ कि ये एग्जाम का, एग्जाम सेंटर तक जाने का स्टोरी और एग्जाम देने का स्टोरी और आने का स्टोरी, ठीक है। तो मैं हॉस्टल से निकला, क्योंकि हॉस्टल जिस टाउन के पास था उस टाउन के पास ही मैं सेंटर डाला था। तो हॉस्टल से निकला, उसके पहले भी एक कांड हो चुका था। क्या कांड हो चुका था, मैं गया नहाने, हॉस्टल में नहीं था पानी। अब मेरे को जाना है एग्जाम, ऐसा नहीं है कि ये खाना है कि आप 10 मिनट बाद भी खा लो तो चलेगा, ये एग्जाम है, 10 मिनट बाद जाओगे तो घुसने नहीं देगा आपको। हॉस्टल में चला गया पानी, मैं गया दोस्त का हॉस्टल में, वो लगभग 200-300 मीटर दूर था, ठीक है, और आई वुड से रदर विद इन 100-200 मीटर, नियरली 200 मीटर के आसपास। तो उनके हॉस्टल में गया, नहाया, आया, फिर हमारे हॉस्टल में खाना खाया, फिर मैं निकल पड़ा। कैसे निकला, बस पकड़ा, पहला ट्रांसपोर्ट बस, बस में लगभग 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, फिर बस से मेट्रो, मेट्रो भी, मेट्रो में भी 10-15 मिनट्स, सिर्फ मेट्रो का टाइम है। ये जो बस और मेट्रो में इंटरचेंज का टाइम, टिकट काटने का टाइम, ये सब भी एक्स्ट्रा है। फिर मेट्रो के बाद लोकल ट्रेन, फिर लोकल ट्रेन के बाद बस, बस के बाद शायद ऑटो या और एक बस था, याद नहीं। लोकल ट्रेन के बाद डायरेक्टली बस ही पकड़ लिया था, राइट, लोकल ट्रेन के बाद डायरेक्टली बस पकड़ लिया था। तो ऐसे करके जाने में ना 2 घंटे के आसपास टाइम लगा था एग्जाम सेंटर पहुंचने में। अब आप ही बताओ कि एक सिटी से अगर साइड में है, नियरली 40-50 किलोमीटर दूर, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो होगा ना आपका ऐसा। तो मैं, पहला चीज, बहुत लोग आप पूछ सकते हो कि आप
ओला उबर ऐसा कर लेते। देखो भाई, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। मैं ना ये OCS का एग्जाम को लेके मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था, क्योंकि मेरा गेट रिजल्ट आ चुका था, अच्छा नहीं था। तो मैं सोचा था कि नेक्स्ट बार ही देंगे अच्छे से, इस बार ठीक है, कम से कम फॉर्म भर दिए, एग्जाम देने जाएंगे। मेरा मेन पॉइंट था, मेन टारगेट था मेरा, हर एग्जाम देने जाएंगे ताकि मेरे को एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर युद्ध क्षेत्र और क्या कहते हैं उसको, आप हर बैटल में आपको जीतना है। कुछ होता है, छोटे बच्चे भी जाता है देखने, तो उसका माइंड सेट धीरे धीरे क्लियर फॉर्म होता है। ठीक है कि अच्छा ऐसे होता है, जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल मार्केटिंग करने जाते हो, ठीक है, तो बड़े आदमी के साथ, आपके पापा के साथ बचपन में आप जाते थे, आप कुछ कहते थे नहीं कहते थे, आप बस पापा को देखते थे, पापा कैसे खरीद रहा है, कैसे सामान सिलेक्ट कर रहा है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, अगर पैक्ड है तो उसका एक्सपायरी देख रहा है, उसका वेट देख रहा है कि हमको कितना चाहिए, हमारे घर में शायद दो आदमी है, तीन आदमी है, तो तीन आदमी के लिए कितना चाहिए था, इतना एक महीने में होता है कि है, ऐसे इतना सब आप पापा देखता है, राइट। तो आप वहां से सीखते हो, तो आपको ना ये फील्ड तक जाने का जरूरत है। अगर आप घर में बैठे रहोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो इसलिए मैं सोचा एग्जाम पास करेंगे नहीं पास करेंगे, दैट डजंट मैटर, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। ठीक है, और वो भी वो सैटरडे या संडे था, तो कॉलेज नहीं था और फाइनल सेमेस्टर भी था, इसलिए मैं चल पड़ा। अब मैं तो चल पड़ा, लेकिन 2 घंटा लगेगा, उसके ऊपर इतना झंझट वगैरह था, तो ठीक है मैं पहुंच गया। जो पॉइंट मैं बता रहा था कि ओला उबर इसलिए नहीं किया कि वो शहर से थोड़ा बाहर था, तो शायद वो 1,500 2,000 ऐसा लग जाता। ठीक है, महंगा भी होता था, हो रहा था, और किसी को मिला नहीं कि मैं शेयर में चला जाऊं दोस्तों के साथ, क्योंकि बाकी जो दोस्त था उनका सेंटर अलग पड़ा था, टाउन सेम दिया था, लेकिन उनका टाउन का एक को इस कोने में, इसको उस कोने में, ऐसे करके दिया था। तो पता नहीं कैसे वो लोग सिलेक्ट किया है, सेंटर किया था। तो एग्जाम देने में चला गया। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर पहुंचा, एग्जाम सेंटर में एक एग्जाम सेंटर ना पहले समझ नहीं आ रहा था कि एग्जाम सेंटर है कहाँ पे। बगल में एक स्कूल था और उसके बगल में एक ऑफिस था, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक होगा, 4 5 4 5 फ्लोर तक। तो हम सोचे स्कूल में होगा, फिर स्कूल से बोला अब एग्जाम सेंटर लिखा रहता है ना आपका उसमें, जो क्या कहते हैं उसको, एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड ही कहते हैं ना, हाँ राइट, तुम जो भी प्रिंट करवा दिलाते हो एग्जाम में दिखाने दिखाना पड़ता है, तो जो भी कहते हैं उसको, तो उसमें लिखा रहता है आपका कि एग्जाम सेंटर क्या है। तो मैं स्कूल में घुस गया, कुछ लोग जा भी रहा था, मैं सोचा संडे के दिन लोग जा रहे हैं, इसका मतलब स्कूल में ही है। तो फिर बोला नहीं, यहाँ पे संडे के टाइम से टीचर गार्जियन मीटिंग था, इसलिए गार्जियन लोग आया था, इसलिए वहां पे लोग था। तो बोला इस ये नहीं, उसका बगल वाला बिल्डिंग। अब बगल वाला बिल्डिंग जो ऑफिस था, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट था, उसका एंट्रेंस नहीं समझ में आ रहा था, फिर घूम के जाना पड़ा। ठीक है, थोड़ा नैरो टाइप का जगह था, फिर वहां पे गया, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट मतलब मोस्टली आधार, सॉरी, एडमिट कार्ड देखा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड देखा आपका, और भी एडमिट कार्ड के हैं, आधार भी शायद देखा था, एकदम सॉरी नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ आपका वो आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए होता है, तो कोई भी आधार, पैन, वोटर, ये सब, ठीक है, तो देखता है। फिर आपको अंदर बैग रखने को बताते हैं, ग्राउंड फ्लोर में था कि बैग रखो, सिर्फ पानी का बॉटल, आपका पेन पेंसिल इरेजर, ये सब, पेन पेंसिल इरेजर भी नहीं शायद, पानी का बॉटल अलाउ कर रहा था, इतना याद है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, पानी पीना था, और एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर में था, एसी भी शायद नहीं था, तो पानी पीना इम्पोर्टेंट है, और बैग तो अलाउ नहीं कर रहा था, बोर्ड भी शायद अलाउ नहीं कर रहा था, जो एग्जाम बोर्ड, क्योंकि आप बोर्ड
लिखोगे क्या? पेपर भी अलाउ नहीं कर रहा था, बोर्ड भी अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि पेपर वो लोग देगा जो कि राफ वर्क के लिए चाहिए, और बोर्ड भी वो लोग आपको चाहिए नहीं, क्योंकि नॉर्मल टेबल में ही आप बस राफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, पहुंच गया एग्जाम सेंटर में, बैठ गया, बस नॉर्मल जैसे ओपन ऑफिस टाइप का होता है ना, बस वही प्रोसेस था। ओपन ऑफिस मतलब, ओपन ऑफिस मतलब कंप्यूटर लैब स्कूल में जैसा होता था, एक कंप्यूटर के साइड में और एक कंप्यूटर मैक्सिमम बीच में, एक मिनिमम सेपरेशन, ताकि आप कंप्यूटर चलाते वक्त ना देख सको, लेकिन आप पीछे से आराम से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उतना कौन करेगा एग्जामिनेशन के टाइम, है ना? तो ठीक है, हो गया इनका, तो एग्जाम देने बैठ गया, एग्जाम स्टार्ट भी हो गया, फिर क्वेश्चन सामने आने लगा। 2 या 3 घंटे का एग्जाम था। अब मैं अंदर जा रहा हूँ एग्जाम का, ठीक है, तो एग्जाम हॉल तक कैसे पहुंचा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा लाइन था, फिर ऐसे 2 लाइन था, फिर ये सब लेके आपको घुसने देता है, ये सब होता है, फिर क्या क्या अलाउ करता है नहीं करता है, फिर आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, फिर सीट ढूंढ के आप बैठ जाओ। वहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं आपको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, आपको सीट बता के आप बैठ जाओ। ठीक है, फिर पॉइंट ये है कि एग्जाम तो स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का नंबर देख के मैं डर गया, बहुत सारा क्वेश्चन था। मतलब गेट में क्या होता है कि 65 क्वेश्चन होता है ना, 55 प्लस 10, एप्टीट्यूड ये सब के लिए 10 है, जनरल एप्टीट्यूड का 10 और 55 शायद उसका, तो टोटल 65, मेरे को जितना याद है 65 टोटल क्वेश्चन, मतलब उस रेंज के आसपास ही है अगर एग्जैक्ट नहीं भी है तो। लेकिन इनमें भाई साहब, इनमें टोटल क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100 ऐसा था, मतलब जो कि गेट में जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है उनसे ज्यादा होता है, ज्यादा था। अब प्लस पॉइंट क्या है इसका? अब इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब तक आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, आपको प्लस पॉइंट पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन छोटा छोटा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा कुछ था। जैसे आपको, अब अगर आप बोलोगे कि तुम, कोई पूछेगा जैसे इलेक्ट्रिकल डोमेन का मैं बता रहा हूँ कि पावर का यूनिट क्या है, आप बोलोगे ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो याद रखना पड़ता है, आई डोंट रिमेम्बर, दिस इज टोटली इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं इसमें, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो तो पावर इतने बार आप हैंडल कर चुके हो ना, आपको मेमोरी में रखने का जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज अगर ऑलमोस्ट डेली हम उसके ऊपर काम कर रहे काम कर रहे काम कर रहे, तो आ जाता है हमारे दिमाग में, ऐसा होता है कि बात करते हैं कि जैसे जवानी में, मतलब हमारा टांग में आ जाता है, ठीक है, बात करते करते बातों के साथ ही निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, फिर एग्जाम दिया, फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन ज्यादा था, लेकिन उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं था कि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कि कुछ कुछ गेट का क्वेश्चन देखोगे तुम लोग, उनमें से ना थोड़ा लंबी कैलकुलेशन होता है, वैसा टाइप का तो क्वेश्चन था ही नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 स्टेप तक आपको कैलकुलेशन करना है, फिर हो गया खत्म, फिर हो गया। फिर और 2 चीजें बताऊंगा मैं, क्या क्या एग्जाम हॉल से कैसे पहुंचा और एग्जाम का तैयारी मैंने कैसे किया। ऑलरेडी कुछ बता चुका था मैंने कि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बस यही एक्सपीरियंस के लिए गया था। तो एग्जाम हॉल से ऑलमोस्ट ऑपोजिट रूट पकड़ के सिमिलर वे से मैं पहुंचा, उसके आसपास कुछ मेरा कॉलेज सीनियर कॉलेज दोस्त का भी घर वर था, तो शाम के टाइम हो गया था, मैं उन लोगों से मिल लिया, उनसे थोड़ा घूम लिया, फिर हॉस्टल में वापस आया, क्योंकि रात 10 बजे तक लगभग मेट्रो सर्विस रहता है, तो फिर वैसे मेट्रो करके बस पकड़ के मैं फिर आ गया। तो अच्छा था, उस दिन मेरा इसलिए अच्छा था क्योंकि मैं मेरा दोस्त लोगों से मिला था, और मेरा एक कॉलेज का सीनियर था उनसे भी मिला था जाके, तो मेरे को अच्छा लगा था क्योंकि ठीक है चलो एग्जाम को लेके मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था उनको,
ठीक है चलो एग्जाम के बाद में घूम लिया, ये कर लिया, वो भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो स्पेशली नॉर्मली लोग कहेंगे कि एग्जाम में तो आप टेंस जाओगे, मैं टेंस बिल्कुल नहीं था उसके ऊपर। ये सब भी हो गया था कि दोस्तों के से मिल गया, और एक फेयर मतलब मेला टाइप का एक्सपो ऐसा करके कुछ चल रहा था, वहां पे भी गया, दोस्तों के से घूमा, कुछ खाया पिया। फिर मेरे को जल्दी निकलना था क्योंकि रात हो रहा था, ट्रेन पकड़ के फिर बस पकड़ के फिर वापस आना था, फिर मैं आ गया वापस। लेकिन अच्छा था, अच्छा लगा था दोस्त लोगों से मिलके। एग्जाम तो बस जिंदगी में होते रहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है कि तैयारी कैसे किया। साहब ये तो आप नहीं कह सकते कि बिना तैयारी करके आप एग्जाम क्लियर कर लिए। देखो मैं इसके लिए स्पेशली तैयारी नहीं किया था, मैं गेट के लिए तैयारी किया था, मैं नॉर्मल कॉलेज का पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये दोनों नॉर्मल बेसिक लेवल में था। अब अगर कोई प्रॉब्लम को आप घुमा के दे रहे हो, घुमा के मतलब बहुत सारे स्टेप्स है उसमें, उसके लिए बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन मेरा प्रैक्टिस था ही नहीं, मेरा सिर्फ था कॉन्सेप्ट का बेसिक नॉलेज और एक दो स्टेप तक जो आता है वो सब तक, मतलब मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं था साहब, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ठीक है, नॉर्मल कोई भी, क्योंकि उस बेसिक के ऊपर से कुछ फॉर्मूला का ऊपर से जो भी प्रॉब्लम आया था, कुछ जैसे एक फॉर्मूला है उनमें से शायद एक वेरिएबल छोटे बाकी सब वेरिएबल दिया है, तो आपको उस वेरिएबल निकालना है, तो फॉर्मूला याद था ये सब था। लेकिन गेट के लिए बहुत स्पेशल आपका तैयारी चाहिए होता है, इनमें से तैयारी चाहिए, इसके लिए भी तैयारी चाहिए। लेकिन मेरा उतना था नहीं, ठीक है, तैयारी उतना नहीं था, लेकिन करना चाहिए। लेकिन उस लेवल पे भी तैयारी नहीं करना चाहिए। कैसे मैं बता रहा हूँ, एक दोस्त है मेरा, वो मैं हॉस्टल में देख रहा था, मैं शॉक हो गया कि गेट के लिए अलग से सिलेबस आता है कि ये आएगा, ये सब आता है। बीआरसी इसके एग्जाम के लिए भी ना वो टेस्ट सीरीज आया था, मैं वो दिया नहीं था, एक भी टेस्ट नहीं दिया था। मैं बोला ना मेरा प्रैक्टिस ही नहीं था स्पेशली इस एग्जाम के लिए। हाँ लेकिन गेट के लिए प्रैक्टिस था, कितना, लगभग 2 महीने पहले गेट हो चुका था और कंटिन्यूटी था, कॉन्सेप्ट था, ये सब था। तो मैं वो देखता था कि वो जो बंदा है, वो बंदा ना ऐसे टेस्ट सीरीज देता रहता था स्पेशली इस एग्जाम के लिए, और एग्जाम देने के बाद बताता था कि ऐसे मार्क्स नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। हालांकि वो अभी अच्छे जगह में है, लेकिन तब भी इसका एग्जाम में ना उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो मैं ये कहानी आपको क्यों बताया, सेल्फ प्रमोटिंग के लिए नहीं, इसलिए बताया कि अननेसेसरी आपके भलाई के लिए काम, कैसे मैं बता रहा हूँ कि अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज लेके, टेस्ट सीरीज में मोस्टली फालतू का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे टेस्ट सीरीज गेट के लिए भी दिया था मैं, लास्ट में जो एकदम लास्ट में टेस्ट सीरीज आता है ना फुल सब्जेक्ट का, वो मायने रखता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट छोटा छोटा होता है ना, उनमें से भी जो लास्ट में आता है उनमें से भी डिपेंड करता है। लेकिन पूरा आपको 100% टेस्ट सीरीज से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, टेस्ट सीरीज में बहुत बुरे हो लेकिन एक्चुअल एग्जाम में बहुत अच्छे हो सकते हो, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे हो एक्चुअल एग्जाम में बुरे भी हो सकते हो। सिमिलर भी हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी अच्छे कर रहे हैं गेट और एक्चुअल एग्जाम में भी अच्छे किए हैं। लेकिन मोस्टली मैं बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज में अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा प्रिपरेशन का बाहर है, छोड़ दो, ठीक है, आपको उसको लेके ना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, अब क्या होगा, अब शायद मेरे से एक्चुअल एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाएगा, अब शायद मैं फेल हो जाऊंगा, जिंदगी फेल, जिंदगी बर्बाद, मैं आप मूल दिखाने का लायक नहीं होगा, ये सब सोचना बंद कर दो। एसेज में जितना आता है उतना करो, बस नॉर्मल प्रोसेस से आपको थोड़ा थोड़ा करके पुश करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लोगे, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लोगे, अगर आपका फर्स्ट ईयर से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, तो आप फोर्थ ईयर में जाके एक दिन में या एक महीने में नहीं पढ़ सकते, मैं ये दावा देके कह सकता हूँ। इसीलिए कुछ लोग ड्रॉप लेता है, क्यों ड्रॉप लेता है, क्योंकि उनको ड्रॉप लेता है, या कुछ लोग
सेकेंड ईयर नहीं थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करता है, राइट। एक मिनिमम टाइम तो चाहिए भाई, 6 महीने 1 साल उनको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। आप ऐसे बस पास हो जाए, बस पास हो जाए, एग्जाम के बस 10 दिन पहले पढ़ लिया, ये सेमेस्टर में चलता है, क्योंकि ये गेट या बाहर का एग्जाम्स में ये नहीं चलता है, ठीक है। तो आप गेट में पढ़ लिए, सेमेस्टर का एग्जाम में भी पढ़ लिए, तो अगर आप सेमेस्टर में कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर रहे हो, पूरे सेमेस्टर पढ़ रहे हो, तो आप गेट के लिए ज्यादा पढ़ना जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरत है, ठीक है। हाँ, तो मैं किस लिए बताई ये कहानी, ये आने जाने का कहानी इसलिए कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि एग्जाम के लिए ये सब हो सकता है। अब ये जो टेस्ट सीरीज का कहानी इसलिए सुना है ताकि आप एक्स्ट्रा प्रेशर ना लो और नॉर्मल वे से आप तैयारी करो। अब ये मैं जो तैयारी इसलिए इसका ये एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी नहीं किया था, ये भी इसलिए कहा कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, इसको ऑपोजिट वे में मत सोचना कि मैं इसके लिए तैयारी नहीं किया था तब भी मेरा ये क्लियर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बिना तैयारी कर लोगे। मैं बताया ना, मेरा बेसिक नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग था और गेट का एग्जाम तक तो मैं तैयारी कर रहा था ना, तो हाँ बीच में एक गैप आ गया था, लेकिन उतना गैप नहीं है कि आप सालों से तैयारी कर रहे हो और 1 महीना 1.5 महीना गैप दे दो तो आप सब भूल जाओगे। उल्टा हो सकता है, आप सालों से कुछ नहीं पढ़े हो, 1-1.5 महीना पढ़ने के बाद भी आप भूल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज बिल्ड करने में एक मिनिमम टाइम लगता है। ओके, और क्या बताना है? हाँ, और भी एक बात बता दूं कि हमारे जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था ना, उनमें हमारे टीम में सबसे ज्यादा इस एग्जाम को लेके चिल्ड था मैं, बाकी लोग में से कोई शायद एग्जाम नहीं दिया था और बाकी जो बचा था वो लोग एग्जाम मतलब अपेयर करने वाले थे। तो अप्रैल का महीने में अगर एग्जाम है तो समझ रहे हो कि मई महीने में फाइनल वो हो जाता है तुम्हारा, एग्जाम तब हो जाता है, मई का मेडल एंड तक तो क्लियर हो जाता है तब। तो प्रोजेक्ट का काम भी करना था क्योंकि मिड सेमेस्टर तक ज्यादा काम नहीं हुआ, तो उसके बाद करना था, मिड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब मैं पुश कर रहा था कि काम करो काम करो भाई काम करो, वो लोग कह रहा था नहीं हम लोग नहीं करेंगे काम, अभी 1 हफ्ता हमको रेस्ट चाहिए क्योंकि हमारा बीआरसी एग्जाम। अब ये पॉइंट मेरे को समझ समझ नहीं आता है कि मेरा एक एग्जाम है इसलिए मैं इसको स्टॉप रखूंगा, लाइफ ऐसा नहीं है, जिंदगी ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ये बात कह रहा था ना और कह रही थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुई, फायदा क्या है फालतू में प्रेशर लेके, ये आपका प्रोजेक्ट भी बुरा कर, प्रोजेक्ट का भी हालत खराब कर दिया, प्रोजेक्ट भी इंप्रूव नहीं हुआ। उस टाइम मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं ये सब को लेके ज्यादा वो नहीं था, जो होगा दिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा केस है, आपके साइड में आपके लिए मैं ये बताऊंगा कि नॉर्मल वे में एग्जाम देने जाओ, ठीक है, जैसे नॉर्मल आप एग्जाम देने जाते हो, नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देने जाओ, और बहुत एकदम टफ प्रिपरेशन भी नहीं चाहिए और एकदम कुछ ना पढ़े ना पढ़ के जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ तो मैं इधर उधर देख के गया था कि ये कॉन्सेप्ट देख के गया था, वो कॉन्सेप्ट देख के गया था, लेकिन एकदम डरना नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ कि प्रेशर में आके बहुत लोग का सिलेक्शन ही नहीं होता है, ये सबसे बुरा बात है, ठीक है। तो ये था रिटन टेस्ट के बारे में, होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। और कुछ बताना है? बस मेरा कुछ थॉट्स शेयर किया मैंने कि मेरा हुआ, और हाँ ये भी है कि मैं सुना था कि हमारे कॉलेज से बहुत साल बाद, आई डोंट नो कि पहले साल पहले इसके पहले कौन से साल में हुआ था, सुना है बस, सुनी हुई बात है, कोई प्रूफ नहीं मेरे पास, कि बहुत साल बाद बीआरसी का रिटन टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू का कॉल आया, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में 2 ही आदमी का आया था, मेरा और एक फ्रेंड का, वो भी हमारी प्रोजेक्ट टीम में था, तो वो भी थोड़ा बहुत सीरियस था प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन सॉरी प्रोजेक्ट एग्जाम को लेके, लेकिन उतना नहीं चिल्ला रहा था,
चिक चिक नहीं कर रहा था, और एक था या और एक थी वो बहुत चिक चिक कर रही थी कि मेरे को अभी एक हफ्ता का टाइम चाहिए, एक हफ्ता 7 दिन 10 दिन मैं अभी प्रोजेक्ट को लेके देखूंगा भी नहीं, मेरे को सिर्फ बात फोकस है। ठीक है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि देखो अभी मैं जैसे पूरा टाइम है, पूरा टाइम कम है, कैसे बताऊंगा मैं इसको, जैसे पूरा टाइम का 10% मैं टाइम डिक्रीज कर दूंगा क्योंकि उस 10% या 20% मेरे को एग्जाम के लिए देना है। लेकिन आप ऐसे पूरा काम स्टॉप थोड़ी कर सकते, लाइफ में आपका कितना सारा काम आएगा, आप बताओगे कि नहीं मेरे को पहले वो काम करना है फिर ये काम करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट द एक्चुअल लाइफ। अभी आप स्टूडेंट स्टेजेस में हो, जब आप लाइफ में आओगे, जिंदगी में आओगे, तब समझोगे कि जिंदगी ऐसा नहीं होता है, ये आएगा ये आएगा, एक के बाद एक आते ही रहेगा। आप बताओगे नहीं पहले वो करूंगा फिर पहले वाला जो पेंडिंग है इसको स्टार्ट करूंगा फिर वो करूंगा फिर वो करूंगा, आपको ऐसे मैनेज करना है टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अभी ये मत बताना टाइम मैनेज के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ भैया, ठीक है सोचना पड़ेगा मेरे को। लेकिन अभी ये बार का पीआरसी का सीरीज मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो हो सके आज का वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, देखो ऐसे इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो लंबा होगा, ठीक है, आपको छोटी छोटी वीडियो चाहिए, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का, तो बताएगा कि आपका जो भी लगे कि भैया हमको ना ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप वीडियो को कट करें, तो मैं इतना बात नहीं कहूंगा, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ये नहीं कहूंगा, बस जो जो बात ऑफिशियली मतलब और प्रोफेशनली कहना चाहिए वो ही कहूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ आई थिंक कि अगर आपको ना ये बाजार थोड़ी है कि आप बाजार में जाके बोलोगे भैया आलू कितना करके है, इसमें आलू देख लिया, इस दुकान में ज्यादा है तो उस दुकान में जाओगे, ऐसा नहीं है कि बीआरसी का जो एग्जाम दिए है ये लोग हर जगह नहीं मिलता है, तो आप ऐसे ही आपका पड़ोसी में जाके किसी से नहीं पूछ सकते। हाँ अगर आपका पड़ोसी में कोई है देने वाला लकी, लेकिन सबका पड़ोसी में नहीं होता है, इसलिए वो लोग जो कहाँ से सुनना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है। अब मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकता, मैं भी किसी बार कोई कॉलेज वॉलेज में आ गया तो शायद डायरेक्टली बात हो सकता है, डायरेक्टली Q&A सेशन में बात हो सकता है, लेकिन ऐसे ऑनलाइन सेशन में ये सब में तो आपके साथ ऐसे ही बात होगा ना, तो मैं बताऊंगा देखो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मेरा वीडियो स्टडी के साथ मत देखो, दिन में एक फ्री टाइम निकालो, उस फ्री टाइम को टाइम में आप वीडियो देखो, नॉट वीडियो देखो, आप फ्री टाइम में थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लो तो आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेडिटेट कर लो मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बोथ योर फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ मैटर्स। और कुछ टाइम है तो जितना टाइम आप यूट्यूब में रील्स क्या क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब देखने में इन्वेस्ट कर देते हो ना, वो सब टाइम में अगर आप ये वीडियो देखोगे ना तो काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, मैं ये बता रहा हूँ, दावा करके बता रहा हूँ। आप कितना टाइम यूट्यूब देखते हो उस बस एक ट्रैक रखना, आप देखना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना घंटे हम यूट्यूब देख लेते हैं उनमें से इंफॉर्मेटिव या एक्चुअल काम का चीज कितना देखते हैं, नहीं देखते ना, तो उसको कंट्रोल करो। जिंदगी में कुछ करना है ना, एक अच्छी जगह अगर आपको जाना है, आपको आप जैसे ये बीआरसी के लिए, तो आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन बढ़ाओ। ये एक पहला वीडियो मैं बता दिया, सेकंड वीडियो में मैं इतना बता दिया, अब थर्ड वीडियो में मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू देने कैसे गया और इंटरव्यू हुआ कैसे, फिर वहां से आया कैसे, ये शायद ये तीनों शायद एक साथ बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोज बनाऊंगा, लगभग आई एम ट्राइंग कि सेपरेट वीडियो बनाने का, लेकिन कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो जाए ये मैं नहीं चाहूंगा। हो सकता है बड़ा वीडियो लंबा वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके लिए मैं वीडियो को बड़ा वीडियो को दो पार्ट तीन पार्ट में बना लूंगा, लेकिन उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाए ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द 3 पॉइंट्स। तो क्या क्या 3 पॉइंट मैंने कवर किया, पहला DGFS के बारे में,
जो कि ज्यादा मैं बताया नहीं था कल, और कमेंट में भी पूछा था कोई, तो मैं उनका भी हेल्प कर दिया। बाकी लोगों का भी क्वेरी होगा, मैं मेरे को पता है। पॉइंट नंबर टू सिलेबस, पॉइंट नंबर थ्री रिटन टेस्ट, वो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम के ऑप्शन ऑल्टरनेट क्या है, गेट। अब गेट के बारे में क्या ही पता है, मतलब बताना है वो तो पता ही आपको, अगर स्पेशली आपको कुछ चाहिए होगा तो बताना, तो उसके लिए उसको लेके आइदर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, इफ यू नीड समथिंग मेक इन द कमेंट, टेल इट इन द कमेंट, आइदर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन इट, और इफ आई थिंक दैट इट्स रिलेटेड टू दिस बीआरसी देन आई विल इंक्लूड इन नेक्स्ट वीडियो और इन दिस सीरीज। ओके ओके सो विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर, ओके सो नथिंग टू से मोर, सो ऑल द थ्री पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू, सो ठीक है। आप लोग देखो आपके जो जो क्वेरी है वो सब कमेंट पे लिखो, और फिर ऐसे ही चलते रहेगा हमारा सीरीज, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, किस टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आई विल मेक कंटिन्यू दिस सीरीज, वीडियो आते रहेगा इस सीरीज में। अभी तो दो वीडियो है, फिर इंटरव्यू का सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ऐसे करके आप लोगों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी है तो लास्ट में क्यू एंड ए का भी एक वीडियो बना लूंगा, ठीक है, सारे क्वेरीज को लेके। तो ऐसे अभी कंफर्म नहीं है, डिपेंड्स अपन सिचुएशन कैसा है, ठीक है। तो ऐसे करके वीडियो बनते जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।